तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैच को यार एक न्यू वीडियो साथ वापस। अब देखो यार, मैं रैंक पुश कर रहा हूँ। हाँ वो तो मैं रोज ही करता हूँ, मतलब 3 दिन हो गए करते करते। अब देखो रैंक पुश करते करते ना भाई, तुम सोच रहे हो कि भाई इसके किल तो होते ही नहीं है। मैं 3 दिन से वीडियो डाल रहा हूँ भाई, मेरे किल नहीं निकलते। अब देखो मेरे किल क्यों नहीं निकलते, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब देखो मेरे किल इस वजह से नहीं निकलते हैं क्योंकि भाई जो मेरे पास मोबाइल है वो है पोको X3। अब इस मोबाइल में ना भाई कभी एक बंदा भी आसपास होता है ना, तो ये मोबाइल इतना खतरनाक बहराता है ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। अब वो चीज़ तुम्हें दिखती नहीं है क्योंकि भाई ये मोबाइल इतना घटिया किस्म का है, क्योंकि भाई इसमें ना कभी अपन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो अपने मोबाइल में तो लेक होगा, लेकिन भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बिना लेक के दिखता है। अब मुझे समझ में नहीं आती ये सब क्यों होता है, जबकि मैं पहले वाले मोबाइलों में खेलता था, मतलब पुराने वाले, तो उसमें ऐसा नहीं होता था। उसमें जब मेरा मोबाइल लेक होता था तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी दिखता था, लेकिन भाई इसमें ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऐसा दिखता है कि भाई साहब बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आती इस वजह से भाई, ना मैं बंदों के पास जाता हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादा मतलब बंदों से मैं फाइट नहीं लेता हूँ। अब देखो लास्ट सर्कल में जितने बंदे आते हैं मैं उनको मार लेता हूँ, या मेरे को जिसको मारने रहता उतने मार लेता हूँ, लेकिन भाई मेरे ज़्यादा ज़्यादा 5 किल भी नहीं हो पाते। लेकिन भाई इसमें तुम्हें दिखेगा 7 किल यार, धोखे से हो गए थे, लेकिन भाई हो जाता है जैसे तैसे। अब देखो होता क्या है, हम छोटी जगह से उतरे, लूट लाट के आए, एक आध बोट मारा मैंने शायद, नहीं वो भी नहीं मारा मुझसे, मेरे से बोट तक नहीं माराते। अब देखो भाई मैं आ गया पोचिंग की पे डायरेक्ट। अब देखो पोचिंग की पे मैं आ गया, लेकिन भाई इधर पे बंदे हो सकते थे, और भाई ये हॉट ड्रॉप भी था, प्लेन पाथ इधर से गया था। अब देखो मैं जैसे तैसे इधर पे उतर गया, अब मैं देखने लगा भैया आसपास बंदे तो नहीं है, तभी मेरे को जो फुट स्टेप आता है, लेकिन जो तो ये एक बोट रहता है जिसको मैं मार देता हूँ। फिर क्या करता हूँ मैं इससे लूट लेता हूँ थोड़ी बहुत, मेरे पास एमओ वगैरह थी नहीं। अब देखो यार एमओ थी मेरे पे, लेकिन ना ये ग्लिच हो रहा है अभी गेम के, मतलब भैया कहीं पे स्कोप ग्लिच हो जाता है, कहीं पे कुछ भी ग्लिच हो जाता है, और मेरा मोबाइल तो पहले से ही ग्लिच है भैया, उसमें ग्लिच भरे पड़े हैं, लेग ही होता रहता है वो पूरे गेम में। अब देखो वो देखा है हम यहाँ से चले जाते हैं और 14 बंदे बचे थे बस। अब हमको जो है थोड़े बहुत किल्स तो निकालने थे, मतलब हम थोड़ा अब थोड़ा रश टाइप का खेलने लगे थे कि बंदे हमको दिखेंगे तो हम फाइट लेंगे। अब देखो होता क्या है, इधर पे एक बंदा था इदर, तो हम रश करने आते हैं, अब देखो इधर पे जो एक बंदा था उसको तो मेरा टीममेट मार देता है, एक नॉक है, नॉक इधर आओ, तभी उसको जो है पहाड़ी से बढ़ती है, तो मैं पहाड़ी वाले को नॉक करता हूँ जल्दी से, और इसका टीममेट इसको रिवाइव देने आता है, लेकिन यार मैं उसमें गोली चिपका सकता था, लेकिन यार मैं चिपका नहीं पाया। अब देखो जो ऊपर से अपन मतलब TDM खेलने जाते हैं ना ऊपर, हाँ जो उससे कुछ भी बोलते हो, लेकिन भाई मैं तो उससे TDM बोलूंगा, अपन TDM खेलने जाते हैं, उधर से एक बंदा आता है खेल खुल के, इधर पे नीचे कूदता है, और मेरा टीममेट बोलता है कि अरे इधर पे कोई कूदने वाला है, तभी ना भाई मेरे को वो बंदा दिख जाता है, और धोखे से मैं कार के अंदर चढ़ जाता हूँ। अब वो बंदा मेरे को भर सकता था, देखो मैं कवर में जा रहा हूँ, लेकिन भाई ये बंदा मुझे भर ही नहीं पाता, और भाई मेरा टीममेट भी था पीछे, तो मैं बिल्कुल अंधे की तरह घुस जाता हूँ और मैं उसको पेल भी देता हूँ। अब देखो इधर पे मेरे 2 किल हो चुके थे, एक बोट मार दिया, एक बंदा मार दिया, नहीं शायद 2 ही बंदे मार दिए, नहीं शायद एक बोट मारा। अब मेरे जो भी मारा हो मैं लगाता हूँ एनर्जी ड्रिंक। अब हम क्या करते हैं, इन बंदों को देखने लगते हैं। अब देखो पहाड़ी पे तो बंदे थे, लेकिन इधर पे भी यार ड्रॉप गिरा, और इस बंदे ने मेरे को AWM चिपका दी। अब वो इस वजह से चिपका दी, मैं उसमें पहले ही हेडशॉट चिपका देता, लेकिन भाई तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा मेरा मोबाइल जो बहरा रहा था ना इधर पे, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता इतना खतरनाक लेक कर रहा था। अब जैसे से भाई मेरे को बहुत टाइम लगा, मेरा स्कोप नीचे ही नहीं हो रहा, और इधर पे भी जो है प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन जैसे से भाई नहीं गोली नहीं लगी। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम सोचते हैं कि इन पे रश करते हैं, तो हम क्या करते हैं पहाड़ी के ऊपर चले जाते हैं, ये रोजोक वाली पहाड़ी पे। अब देखो हम इधर पे आए ना तो हमें ऐसा लगता है कि भाई स्कूल साइड भी बंदे और रहते भी हैं। अभी देखो ये धोखे से सील्ड लग गई। अब देखो होता क्या, ये कार इधर पे खड़ी थी, हमको लगा इधर पे शायद और भी बंदे हों या वो ही बंदे आगे चले गए। अब देखो आगे से फाइट हो रही थी, अब देखो पहाड़ी के नीचे एक बंदा होगा, देखो वो देखो तो बाहर जाना थे, बाहर था ना। अब देखो मैं इस बंदे को जिस तरह से तो नॉक कर देता हूँ, लेकिन ये जो बंदे जिसको मैंने नॉक किया है ना, ये है ना उन बंदों को मार रहा था जिसको मैं मतलब हेडशॉट मारने की कोशिश कर रहा था। अब देखो जो मेरे टीममेट ने एक को फिनिश करा ना, वो इसका टीममेट था जिसको मैंने नॉक करा। अब देखो जो पहाड़ी पे बंदे थे वो देखो उन्होंने स्मोक कर लिया था, अब हम उनको मारने के लिए जा रहे थे, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार कार से जाएंगे, इतनी दूर कभी पैदल गए तो वो हमको चिपका देंगे। तभी मेरे को एक बंदा दिखता है, अब ये मेरे को नीचे फेंक देती है, लेकिन मैं वापस आता हूँ।
और हेडशॉट चिपका देता हूँ। अब देखो मैंने अपने टीममेट से बोल दिया तुम थोड़ा आगे जाओ, मैंने एक को हेडशॉट चिपका रखा, जब तक मैं कान लेके आई जाऊंगा तुम्हारे पे। अब मेरा टीममेट बोलता है कि अरे दोनों रश कर रहे हैं, मतलब दोनों आ रहे हैं। अब यार मैं दूसरे वाले को भी चिपका देता यार, एक ना एक बॉडी शॉट तो मैं चिपका देता, लेकिन भाई वो लेट गया था इसके में यार मेरी जो गन है हीट ही नहीं और मैंने रे गया भाई, किल निकल गई। अब देखो होता क्या है, अब इनसे लूटते मेरे पास वो नहीं था क्या बोलते हैं हेलमेट वगैरह। अब देखो यार रैंक पुश में मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, देखो जब भी तुम ड्रॉप लूटो जैसे तुम्हें लेवल 3 की वेस्ट मिली है तो वो लेवल 3 की वेस्ट कभी तुम्हारी पूरी भी डैमेज हो जाएगी ना, अब उसका जो परसेंटेज है डैमेज झेलने का वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो तुम भाई इससे अच्छा है कि तुम लेवल 1 की वेस्ट उठा लो, क्योंकि भाई अपने जो कैरेक्टर है वो लेवल 1 की वेस्ट नहीं उठाएगा भले उसके पास लेवल 3 की वेस्ट पूरी डैमेज हो। अब देखो इधर पे एक बंदा रहता है, इसने जो आगे वाले बंदे थे उनको नॉक किया था, और भाई रैंक पुश करते करते ना मेरे एम की ऐसी तेजी हो चुकी है मेरे से एक बंदा तक नहीं मरा था भाई साहब। अब देखो इन पहाड़ी पे बंदा रहता, इस बंदे ने आगे जो बंदे थे उन बंदों में से एक को नॉक किया था। अब ये बंदे बहुत तेज थे, हम पे रश करने जाते हैं। अरे और भाई इसी से हो जाता है चिकन डिनर। अब देखो ये था दूसरा मैच, इसमें मैं अपने टीममेट के साथ नहीं खेल रहा था, मैं खेल रहा था ऑफलाइन बंदे के साथ, नहीं नहीं क्या बोलते हैं रैंडम बंदे के साथ। अब देखो वो पिट के ऑफलाइन हो गया, मैंने बोली थी अकेले अकेले मत जाओ, मैं रैंक पुश कर रहा हूँ, मैं टॉप 20 के बाद थोड़ा एग्रेसिव हो जाऊंगा लेकिन ज्यादा नहीं होऊंगा, लेकिन भाई साहब वो अकेले गया। अब देखो इधर भी मैं बहुत देर तक होल्ड करता हूँ, तभी एक बग्गी आती है। अब यार देखो एम की तो ऐसी तैसी पहले से ही हो रखी है, अब मेरे को लगा था भाई ये बग्गी ना डायरेक्ट निकलेगी रोड के सामने से, लेकिन भाई उसकी बग्गी ना ठुक गई। अब जो मैंने जिसको मैंने उतारा ना बग्गी से, मतलब बग्गी जो ठुकी थी मैंने जैसे ही उतारा ना उसको, वो बंदा इसको बोल रहा होगा कोरे झंडू तेरे को कार चलानी नहीं आती ऐसा बोल रहा होगा वो, लेकिन मैंने उसको जिस तरह से मार दिया। अब मैं चला गया दूसरे वाले बंदे पे मारने के लिए। अब देखो मैं इस पे आता हूँ, और भाई ये बंदा मुझे दिख ही नहीं रहा था क्योंकि भाई ये कॉइन की जो शॉप रहती है इसके वजह से, लेकिन फिर मैंने जिस चीज उसको मार दिया। अब मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट आ जाता हूँ जोन के अंदर, क्योंकि जोन में सिर्फ ये वाला स्कॉट हाउस था, मतलब बहुत सारे घर थे लेकिन स्कॉट हाउस यही था, तो मैं इसी स्कॉट हाउस पे आ गया। अब देखो पीछे से फायरिंग हुई तो मैं समझ गया भाई इधर पे बंदे मतलब बंदे तो बच रहे हैं। अब देखो मुझे जैसे जैसे मैंने क्या किया, मैं जो रेड वाला घर रहता है ये स्कॉट हाउस के आगे इधर पे मैं आ जाता हूँ। अब देखो इधर पे ना बंदे थे पहाड़ी के ऊपर, अब ये पहाड़ी के ऊपर कार वगैरह खड़ी थी, तो मैं सोचने लगा भाई इधर पे बंदे, अब मुझे जैसे तैसे ना होल्ड करके रखना था और कैसे भी करके रैंक 1 या 2 तो निकालनी थी या चिकन डिनर करना था। अब देखो वो तो क्या है जोन मेरे से हट चुका था और मुझे जाना था पहाड़ी पे, और मेरे को क्या लग रहा था पहाड़ी पे पहले से ही 2 बंदे बच रहे हैं, क्योंकि भाई एक बंदा शायद अलग हो सकता है, वो शायद इधर पे ही कैंप कर रहा हो कहीं पे। अब देखो होता क्या है मैं धीरे धीरे करके मैं सोचता हूँ ये बाना उसके पास होगा कोई, लेकिन भाई नहीं रहता। अब मैं जैसे तैसे भाई पूरा रोटेशन मार के ना इस पहाड़ी के रिच के नीचे आ जाता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ आगे देख रहा था, तभी ना मुझे ना पोचिंग की इस साइड से फायरिंग होती है, ये जो सामने घर रहता है ना देखो अभी दिखाता हूँ मैं इस वाले घर से। अब देखो सबसे पहले तो मेरे को ये छत पे एक बंदा दिखा ठीक है, और नीचे एक और दिखा। अब मैं समझ गया कि भाई 2 बंदे इधर बचे हैं और पहाड़ी पे सिर्फ एक बंदा है जिसके पास AWM है, लेकिन भाई उस बंदे को मुझसे भी ज्यादा घटिया स्नाइपिंग आती है, तो वो इस बंदे को हेडशॉट नहीं चिपका पा रहा था, बहुत देर हो गई थी। अब देखो होता क्या है मेरे पे बिल्कुल 0 का मतलब जोन आ गया था, तो मेरे को आगे वाले बंदे पे रश करना ही पड़ता कैसे भी करके, वरना वो मुझे मार देता, कभी मैं पैदल या किसी चीज से जाता धीरे धीरे तो वो मुझे चिपका देता, तो मुझे इस पे रश ही करना पड़ता है। और इधर पे भी ना भाई मेरा मोबाइल बहुत कर्रा लेग हो रहा था, लेकिन देखो जिस तरह से मैं इसको मारता हूँ देखो अब यार इधर पे ना मैं उठ ही नहीं पा रहा था, क्या पता क्यों अब ये गेम के ग्लिचेस हैं या किसी के भी हैं, लेकिन भाई जो 2 बंदे रहते हैं वो इतने झंडू किस्म के रहते हैं कि भाई वो बंदे ना सोचते हैं जोन में क्यों जाओ, अपन तो जोन में ही बैठे बैठे चिकन कर लेंगे, लेकिन भाई वो दोनों के दोनों जोन से ही मर जाते हैं। और भाई यही था आज की वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ कल है ना
मैं डायमंड पहुंच जाऊंगा।